पालिका में हमारा संबंधित बहुत सारा अधिकार है, मतलब बहुत सारा चीज़ हमारे लिए आती है वहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हम जुबान नहीं बोल पाते हैं, हमें नेपाली नहीं आती है तो हम बोल नहीं पाते हैं, उनसे अपना अधिकार नहीं मांग पाते हैं। तो जुबान बहुत बड़ी चीज़ है, आपके पास अगर जुबान ही ना हो तो आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे अपने आप को नुमाइंदगी करेंगे। तो नेपाली जुबान सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप नेपाली पे जुबान नहीं आएगी आपको तो आप एक भीख मंगा भी दे रहेंगे, आप यहाँ पे उसकी भी हैसियत नहीं रहेगी, आप भीख भी ना मांग पाएंगे। आप नगर पालिका में आपका अधिकार है, क्योंकि हम लोग कर देते हैं, रोड का कर देते हैं, बाकी ज़मीन का देते हैं, हर चीज़ का देते हैं। तो गवर्नमेंट ने जितने मदरसे जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी आती है उनको, मतलब और बहुत सारा बजट आता है, वो बजट हमारा लिप्त हो जाता है, कलप्स हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, हम बोल नहीं पाते उनके तरफ, हमारा अधिकार है। तो नेपाली भी सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए माशाल्लाह मौलाना हैदर साहब ने अभी एक टीचर को बहाली किया है। इसी तरह हर हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर बच्चा को जुबान आए, क्योंकि देखिएगा अभी जो दौर आने वाला है, दौर आने वाला है वो शिक्षा ही का दौर है, अभी तो अभी भी दौर है शिक्षा ही का। अभी दुनिया में उसी का डंका बज रहा है, जिसके पास तालीम है, जिसके पास एजुकेशन है, वही उसी का डंका बज रहा है।